दुकानों के बाहर मराठी साइन बोर्ड ना लगाने वालों की अब खैर नहीं, एक्शन मोड में आई बीएमसी। एकनाथ शिंदे ने अपनी दशहरा रैली में पानी की तरह बहाया पैसा, 100 करोड़ रुपए हुए खर्च, शिवसेना का दावा। मुंबई में आज हुई जोरदार बारिश, बोरीवली कांदिवली मलाड सीएसएमटी में अचानक हुई बारिश ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। ईद को लेकर एक्शन में मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मौलानाओं के साथ की बैठक, 70 जगह निकाली जाएगी जुलूस, मुंबई पुलिस ने की अपील, शांति से निकाले जुलूस। फिल्म आदि पुरुष के समर्थन में उतरी राज ठाकरे की मन से, अमय खोपकर ने कहा हिंदू डायरेक्टर की फिल्मों का विरोध बंद करो। उद्धव ठाकरे की मस्ती उतारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, नारायण राणे की खुली चेतावनी। उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे मैं सीएम बनूं, पार्टी छोड़ी नहीं होती तो मेरा भी आनंद दिगे हो जाता, नारायण राणे का बड़ा आरोप। अवैध फोन टैपिंग मामले में आईपीएस रश्मि शुक्ला को क्लीन चिट मिलने के बाद मुंबई की पुलिस कमिश्नर बनने की अटकलें तेज। मुंबई और जामनगर से 120 करोड़ की एमडी ड्रग जब्त, एयर इंडिया का पूर्व पायलट गिरफ्तार। उद्धव ठाकरे द्वारा शकील और छोटा राजन को मुझे मारने की सुपारी दी गई, नारायण राणे का गंभीर आरोप। मुंबई लोकल में बिना इजाजत सीएम शिंदे का दशहरा रैली का भाषण दिखाया गया, रेलवे ने प्रचार कॉन्ट्रैक्टर पर की दंडात्मक कार्रवाई। चुनाव आयोग में शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर उद्धव गुट से मांगा जवाब, शनिवार दोपहर तक की मोहलत। इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी पर उद्धव का जवाब, कहा शिंदे नहीं कर सकते संबल पर दावा, खुद छोड़ी है पार्टी। भारी बारिश ने बढ़ाई थाने वासियों की मुसीबत, निचले इलाकों में भरा पानी। उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे गुट की महिला विंग आक्रमक, थाने मेंटल हॉस्पिटल में बेड किया गया आरक्षित। जनप्रतिनिधियों की तादाद देखकर हमें ही धनुष बाण मिलेगा, शिंदे गुट के गुलाबराव पाटिल का बड़ा दावा। उद्धव ठाकरे जैसे नेता द्वारा सीएम शिंदे के 1.5 साल के पोते का नाम लेना दुर्भाग्यपूर्ण है, उद्धव माफी मांगे, देवेंद्र फडणवीस की आलोचना। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक घर में घुसा तेंदुआ 4 घंटे तक घूमता रहा। थाने में शाखा को लेकर शिंदे और ठाकरे गुट के कार्यकर्ता भिड़े, पुलिस ने बीच बचाव पर कार्यकर्ताओं को किया दूर। वंदे भारत का टूटा हुआ हिस्सा किया गया ठीक, दुर्घटना के बाद पटरी पर फिर लौटी ट्रेन, आज फिर गाय से टकराई वंदे भारत। नारायण राणे पर भड़की किशोरी पेडणेकर, कहा केंद्रीय मंत्री को भौंकने के लिए रखा है। उद्धव ठाकरे ने अपना परिवार खुद फोड़ा, रामदास कदम का गंभीर आरोप। शिंदे गुट की दशहरा रैली के खिलाफ एचसी में याचिका दायर, एसटी महामंडल को 10 करोड़ रुपए किसने और कहां से दिए, ये सवाल। मुंबई में आज चांदी के दामों में आई बढ़ोतरी, चांदी 61,600 रुपए किलो। थाने में पति के आत्महत्या के लिए उकसाने जाने के बाद पत्नी ने दी जान, बेटी पैदा होने से था नाखुश। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी, अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए, हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।